चलिए तो इसमें शुरू करें थे बड़ी खबर का। देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 1,40,883 नए मामले सामने आए, 282 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 40,925 और दिल्ली में 17,335 केसेस सामने हैं। तो लगातार आंकड़ों में इजाफा चिंता की बात भी है। लगातार सरकार भी अलर्ट मोड पर है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। ऐसे में लोगों को अब सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम भी लगातार आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का आप लोग पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। तो लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। चलिए इस बीच रुकल एक और बड़ी खबर का। देश में तीसरी लहर ने तांडव मचा रखा है। 9 महीने बाद एक बार फिर से 1 लाख से ज्यादा केसेज आए हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में 17,094 नए मामले सामने हैं। शुक्रवार को 282 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही 39,580 लोग ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केस का आंकड़ा 4,62,613 हो चुके हैं और देश में महाराष्ट्र में एक बार फिर से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के 40,925 केसेस से 20 लोगों की मौत, जबकि 14,256 लोग रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 1,41,000 के पार है। तो यहाँ लगातार ओमिक्रॉन के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 876 हैं, इनमें से 435 मात देकर ठीक भी हुए हैं और दिल्ली में 17,335 केसेस है, 9 की मौत हुई है। एक्टिव केस 39,000 के पार है और दिल्ली में जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है।